The difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree. The smallest angle is 120. Find the number of sides of the polygon. Okay. तो इसमें देखो पॉलीगॉन जो है ना पॉलीगॉन में जो नंबर ऑफ सम जो होते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ इनसाइड पॉलीगॉन। हाँ बेटा बोलो। अच्छा अभी चेक कर। एन माइनस टू इंटू 180 ये मालूम है बेटा सबको? बेटा किस किस को नहीं मालूम? ये पॉलीगॉन का एन साइड, जैसे मान लो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीन साइड होता है, 3 माइनस 2 इंटू 180 तो 180 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल है तो चार साइड है, 4 माइनस 2 इंटू 180 तो कितना, 2 इंटू 180 दैट इज 360 होता है। तो क्या लिखते हैं, एन माइनस टू इंटू 180। इज इट क्लियर? लक्षित, राहुल, ऋषि, बुलबुल, आयुष, क्लियर है सब? सम ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। ओके गुड। अभी यहाँ पे जो है जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दिया, ए। ओके अभिनव, क्लियर गुड। ये इक्वल्स टू कितना, स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री। एन तो एन के बराबर ही है, यहाँ पे एन साइडेड है। ओके तो सम ऑफ एंगल्स ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। एन बाई टू ए के वैल्यू 120, एन माइनस वन डी के वैल्यू कितना बेटा, यहाँ पे डी के वैल्यू 5 डिग्री देखो। ठीक है दैट इज 5। तो सम ऑफ एंगल्स एस इक्वल टू इतना आ जाएंगे, सम ऑफ एंगल्स इतना है, ए बी के थ्रू करे तो एन बाई टू 240 प्लस 5 एन माइनस 5, एन बाई टू 235 5 एन। इज इट क्लियर? यहाँ पे सम इतना था, यहाँ पे सम इतना आया, तो दोनों बराबर कर दे। तो n इंटू टू से इंटू होगा एन माइनस टू इंटू टू इंटू 180 360, 235 n प्लस 5 n का स्क्वायर इक्वल टू 360 n माइनस 720। तो 5 n का स्क्वायर है 235 n, 360 n प्लस 720 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? तो 5 n का स्क्वायर ये 360 दिस वन, ये कितना होगा बेटा, 5 125 n प्लस 720 इक्वल्स टू 0 है ना बेटा, ये हो जाएंगे 125 25, दैट विल बी 60 ना। तो 5 कॉमन ले लो,
एन स्क्वायर माइनस 25n प्लस वन फोर्टी फोर। तो एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू जीरो। एन माइनस 16 एन इक्वल टू 16 एन इक्वल्स टू 9। अभी देखो इसके बाद ये तो इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज 180 से लेसर ही होगा, तो ए 16 इक्वल्स टू ए प्लस 15 डी, ए का वैल्यू 120, 15 इंटू 5 120 75, तो 195 ग्रेटर देन 180, देयरफॉर एन इक्वल 16 नॉट पॉसिबल। 16 नहीं होगा बिकॉज 195 आ रहा है, तो इंटीरियर एंगल तो ऑलवेज 180 से लेसर ही होती है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये वाला स्टेप पीयूष पहले नहीं किया था, सुजय भी पहले नहीं किए थे। इज इट क्लियर? यस और नो लिखो। व्हेन एन इक्वल्स टू 9, ए 9 इक्वल्स टू ए प्लस 8 डी, 120, 8 इंटू 5 120 प्लस 40 160 लेस देन 180, देयरफॉर एन इक्वल टू 9 पॉसिबल है। देयरफॉर एन इक्वल्स टू 9, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? श्वेता इज इट क्लियर? ओके बेटा, टाइम हो गया, एंड कर रहा हूं आज, कल फिर जीपी होगी। ठीक है, कल भी मैं